हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास फोर्थ सब्जेक्ट जीके, लेक्चर 8, पेज नंबर 11. आज हम रीड, एक्सप्लेन और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे. टॉपिक है हमारा फिश इन द वाटर. वाटर में फिश. यहाँ पे आपको कई तरीके की फिश दिखाई दे रही है जो अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है. फर्स्ट, रीगल एंजल फिश कीप्स अप टू इट्स नेम द इंटरचेंजिंग बैंड्स ऑफ स्ट्राइकिंग कलर्स ऑन इट्स बॉडी एंड फिन्स गिव इट अ मैजेस्टिक अपीयरेंस. यह एक रीगल एंजल फिश है जो अपने नेम को रखती है और वह अपने बॉडी और फिन्स को अट्रैक्टिव बनाती है अपने इंटरचेंजिंग बैंड के द्वारा और मैजेस्टिक अपीयरेंस वो देती है. सेकेंड, द कलरफुल क्लोन एनेमोन फिश. यह एक कलरफुल क्लोन एनेमोन फिश है, आल्सो कॉल्ड ए क्लोन फिश. इसे हम क्लोन फिश के नाम से भी जानते हैं. शेयर अमेजिंग फ्रेंडशिप विद द एनेमोन अनदर सी क्रिएचर. यह अनदर सी एनमोन के साथ अमेजिंग फ्रेंडशिप को शेयर करती है. थर्ड, पिग्मी गोबी इज द स्मॉलेस्ट फिश इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट फिश जो है वो पिग्मी गोबी है. फोर, अ पफर फिश कैन फिल इट्स स्टोमेक विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. एक पफर फिश जो होती है वह लार्ज अमाउंट में अपने स्टोमेक में वाटर को फिल कर सकती है एंड कैन ब्लो इट सेल्फ अप टू सेवरल टाइम टू स्केयर अवे एनिमीज. और वह एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी वो ब्लो भी कर सकती है, यानी कि वो उड़ भी सकती है. द स्टोन फिश विच लुक्स लाइक अ रॉक. यह एक स्टोन फिश है जो एक रॉक की तरह दिखाई देता है. इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजन्स फिश इन द वर्ल्ड. यह वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पॉइजन्स वाला फिश है. यहाँ पे आपको कुछ फिश के नेम दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करके जो राइट होगा आपको यहाँ पे राइट करना है. रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फिश. यहाँ पे आपको इस डिस्क्रिप्शन को रीड करना है एंड आइडेंटिफाई देम, और उनको आइडेंटिफाई करके नेम यहाँ पे राइट करना है. फर्स्ट, इट कैरी इट्स एग इन पाउच इन द मेल बॉडी. यह मेल के बॉडी में एक पाउच में अपने एग को कैरी करती है. वो कौन सी फिश है? तो आंसर है हमारा सी हॉर्स. सी हॉर्स मेल के बॉडी में अपने एग को कैरी करती है. सेकेंड, दिस फिश डज नॉट ले एग बट गिव बर्थ टू लीव बेबीज. यह एग नहीं देती, यानी कि वो अंडे नहीं देती है, लेकिन बेबीज को लीव करने में वो जन्म देती है, यानी कि बेबीज को रखने के लिए उसको जन्म देती है. तो राइट हमारा है हैमर हेडेड शार्क. थर्ड, इट इज अ फिश नोटोरियस फॉर इट्स रेजर शार्प टीथ एंड इट्स कैपेसिटी टू रिड्यूस इंटू एनी अनफॉर्चुनेट एनिमल इंटू बाइट्स दैट माइट फॉल इट्स प्रे विद इन मिनट. कुछ ही मिनट में यह फिश जो होती है अनफॉर्चुनेट एनिमल्स को बाइट करने के लिए उसकी कैपेसिटी है, और इसके जो टीथ होते हैं वो रेजर शार्प टीथ होते हैं. तो राइट है हमारा पी रन्हा. फोर, इट डज नॉट हैव स्केल्स एंड पॉजेसेस अ स्ट्रॉन्ग बेलो लॉन्ग. इसके जो स्केल्स नहीं होते हैं और जो पॉजेस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, बिलो होती है और लॉन्ग होती है. तो राइट है हमारा कैटफिश.
ऐसे ही आप पेज नंबर 11 को रीड करेंगे और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू।